शांति। आज की तारीख है 30/9/22 और आज का ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं कि मीठे बच्चे, इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है क्योंकि सभी पतित हैं। तुम्हें अब श्री मत पर सबकी तकदीर जगानी है, पावन बनने की युक्ति बतानी है। प्रश्न है, सबसे खराब चाल कौन सी है जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर है, एक दो को पत्थर मारना अथवा कड़वे बोल बोल कर जख्मी कर देना, ये है सबसे खराब चाल। इससे बहुत नुकसान होता है। तुम बच्चों को अब रूप बसंत बनना है, अच्छा मैनर्स धारण करना है। तुम्हारे मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। आत्मा को भी याद से रूपवान बनाना है और बाप जो ज्ञान रत्न देते हैं उनका दान करना है। बहुत मीठे बोल बोलने हैं, कड़वे बोल बोलने वाले से किनारा कर लेना है। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मुरली के मधुर महावाक्य। नंबर एक, निंदा करने वाले का संग कभी भी नहीं करना है, न ग्लानी करनी है, न सुननी है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुख से ज्ञान रत्नों का दान करना है। नंबर दो, ज्ञान मटेरियल से मनुष्य को देवता कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, अपना और सर्व का कल्याण करने का ही धंधा करना है। वरदान सतगुरु बाबा का प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रत्न भव। बाबा कहते हैं, प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करना माना जान की बाजी लगा देना, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। दृढ़ प्रतिज्ञा वाले कैसी भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते। वो गले का हार अर्थात विजयी रत्न बन जाते हैं। तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो तब प्रत्यक्षता हो। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा, इन दोनों का बैलेंस ही सर्व आत्माओं को बाप दादा के द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।